फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम 6M का नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो 6M में आपके दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका मैट्रिक स्पेसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो आपका सेकंड पेपर होता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो आपके इसमें जो फर्स्ट पेपर है, दो बुक हैं। पहली बुक आपकी मैट्रिक स्पेसिस और दूसरी बुक आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो सेकंड पेपर है, इसमें भी आपकी दो बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेकंड बुक है आपकी ऑपरेशन रिसर्च। तो वैसे तो मैंने इसका सिलेबस, ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार पे डाल दिया है। तो आप इसका जो सिलेबस है 6M का, वहाँ से देख सकते हैं। यदि किसी ने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ये सारा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, चारों बुक का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें जो हम सबसे पहले बुक स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च में सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ब्रांच होती है, ऑपरेशन रिसर्च की एक ब्रांच होती है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ब्रांच होती है किसकी, ऑपरेशन रिसर्च की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखिए होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो यूज़ है वो किस तरीके से यूज़ है। भाई मान लिया हमारे पास एक कंपनी है, एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी प्रोडक्ट बनाती है। तो जब ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो जो पहला प्रोडक्ट बनाती है उसको, ठीक है, एक प्रोडक्ट ए बनाती है और दूसरा क्या बनाती है, बी बनाती है। जैसे कंपनी पहला प्रोडक्ट बनाती है उसको मान लिया काटने में, ठीक है, मान लिया किसी चीज़ से मिलकर बनाएगी उसको, ठीक है, मान लिया सपोज़ लकड़ी का ही कोई चीज़ बनाती है, सपोज़ कुर्सी बनाती है या मेज़ बनाती है, ठीक है, तो जो हमारा जो भी लकड़ी दी हुई होगी उसको मान लिया काटने का जो समय है 2 घंटे है, ठीक है, और उसको जोड़ने का समय मान लिया 4 घंटे है, ठीक है, जो सेकंड प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी उसको, एक प्रोडक्ट को, ठीक है, काटने में मान लिया 5 घंटे लगते हैं और उसको फिर जोड़ने में कितने घंटे लगते हैं, सपोज़ 5 ही घंटे लगते हैं। और एक प्रोडक्ट पे मान लिया 5 रुपये का प्रॉफिट है, मान लिया कुर्सी बना रही है, मान लिया सपोज़ कुर्सी है और ये क्या है, मेज है, तो एक कुर्सी पे कंपनी को कितने का प्रॉफिट होता है, मान लिया 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, और मेज पे कितने का प्रॉफिट होता है, 10 रुपीज़ का, मतलब, ठीक है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो हम कंपनी को मतलब ये बता सकते हैं, और मान लिया उसके पास कुछ घंटे अवेलेबल हैं, मान लिया उस पे काटने के जो घंटे अवेलेबल हैं, मान लिया सपोज 20 घंटे अवेलेबल हैं, और जो जोड़ने के उनको जोड़ते हैं उनके जोड़ने के घंटे सपोज 30 अवेलेबल हैं। तो हम कंपनी को ये बता सकते हैं कि इसको भैया देखिए कंपनी क्या चाहेगी, कंपनी ये चाहेगी वो अपने प्रोडक्ट बना के बेचे और प्रॉफिट कैसा हो जाए, उसको मैक्सिमम हो जाए। तो जैसे मान लिया कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम उसमें ये बता सकते हैं कि कंपनी को इतनी तो कुर्सी बनानी चाहिए और इतनी मेज बनानी चाहिए ताकि कंपनी को प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाई मान लिया कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई निर्माण करता है, वो कुर्सी और मेज बनाता है, ठीक है, कुर्सी और क्या बनाता है, वो मेज बनाता है, और कुछ हमें उसमें डेटा दिया हुआ कि इसको काटने का इतना समय है, इसको जोड़ने का इतना समय है, एक कुर्सी पे इतने का प्रॉफिट होता है और मेज पे इतने का प्रॉफिट होता है। तो वह निर्माणकर्ता कितनी कुर्सी बनाए और कितनी मेज बनाए ताकि उसको प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो इस चैप्टर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे
ठीक है, तो इस तरह के ही हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उनको सोल्व करेंगे। हम ये बता सकते हैं कि भैया तुझको इतनी तो ये बनाना चाहिए, इतना ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है, इस पे इतने का प्रॉफिट है, इस पे इतने का प्रॉफिट है। तो इस तरह की हम इसमें प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो जैसे कि लीनियर का मतलब आप समझती हो, रेखीय, तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, जैसे भाई हम मान लिया कोई इस तरीके से लिखते हैं 2x + 3y बराबर मान लिया 4 लिख दिया, तो ये लीनियर का मतलब होता है रेखीय। तो जो भी इसमें वेरिएबल्स होंगे वो सब एक डिग्री के होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामन करना, जो प्रॉब्लम और ये मतलब समस्याएं दी होंगी उनको हम इसमें सोल्व करेंगे। तो चलिए इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, पहला क्या सेकंड चैप्टर है, पहले चैप्टर से तो कुछ आता नहीं है उसमें से एग्ज़ाम में, तो हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसमें हम सेकंड पेपर का जो पार्ट भी है वो स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं है इसमें, तो चलिए सीधा एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया इन्होंने। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया, ए गोल्डस्मिथ मैन्युफैक्चर्स नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, द टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट ही कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक ए नेकलेस। इट इज एज्यूम दैट ही कैन वर्क फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 16 आवर्स, ठीक है। तो जो एक दिन में वो कितने घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे काम कर सकता है। फर्दर द प्रॉफिट ऑन ए ब्रेसलेट इज रेट 300। जो उसको प्रॉफिट होता है किस पे, एक ब्रेसलेट पे कितने का होता है, 300 रुपये का। एंड प्रॉफिट ऑन ए नेकलेस इज 100 रुपीज, ठीक है। तो कितने रुपए का होता है उस पर, 100 का नेकलेस पे 100 का होता है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो एज द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। समझिए भैया क्या कहना चाह रहा है इसमें। ए गोल्डस्मिथ, एक सुनार मैन्युफैक्चर उत्पादन करता है किनका, नेकलेसिस का और ब्रिसलेट्स का। तो एक सुनार क्या बनाता है, नेकलेस बनाता है और ब्रिसलेट्स बनाता है। The total number of necklaces and bracelets that he can handle per day at most 24, ठीक है। तो वो टोटल जो बना सकता है necklaces और bracelets, एक दिन में 24 से ज़्यादा नहीं बना सकता, वे दोनों को मिला के necklaces को भी और bracelets को भी वो 24 से ज़्यादा नहीं बना सकता। अधिक से अधिक 24, हाँ ठीक है, अधिक से अधिक कितने बना सकता है, 24 बना सकता है, 24 बना सकता है। इट, ठीक है, इफ इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए ब्रेसलेट, एक घंटे में, ठीक है, एक ब्रेसलेट को बनने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, और हाफ एन आवर आधा आवर लगता है, आधा घंटा लगता है टू मेक ए नेकलेस, एक नेकलेस को बनाने में। इट इज एज्यूम दैट, यदि यह मान लिया जाए, ही कैन वर्क फॉर ए मैक्सिमम 16 आवर्स ए डे, यदि यह मान लिया जाए वह एक दिन में 16 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। फर्दर द प्रॉफिट ऑन ए ब्रेसलेट इज 300, एक ब्रेसलेट पर कितने का प्रॉफिट होता है, 300 का, और नेकलेस पर कितने का होता है, 100 रुपीज़ का। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना, बनाना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, सो एज ए मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, आसान सी एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट हम मान लेंगे, लेट गोल्डस्मिथ मतलब सुनार मैन्युफैक्चर X1 नेकलेस, ठीक है, X1 तो क्या बनाता है, वो नेकलेस बनाता है, ठीक है, नेकलेस। एंड X2 ब्रेसलेट्स
ब्रिसलेट, ठीक है, पर डे, पर डे। तो देखिए हम इसमें ये बता सकते हैं उसको, सुनार को ये बता सकते हैं, भैया एक इतने तो तुम्हें नेकलेस बनाने चाहिए और इतने ब्रेसलेट्स बनाने चाहिए कि ताकि प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके। देखिए इन्होंने क्या दिया, ये कंडीशंस दी इन्होंने कि ये कंडीशंस हैं, तो उसको एक दिन में कितने तो नेकलेस बनाने चाहिए और एक दिन में कितने ब्रेसलेट्स बनाने चाहिए ताकि प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो अभी हमने क्या मान लिया कि सुनार को एक्स पर नेकलेस बनाने चाहिए और एक्स टू ब्रेसलेट्स बनाने चाहिए पर डे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम जेड निकालना हमें, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, कि इसको प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये बताइए एक नेकलेस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा, 100 का, एक पे हो रहा 100 का, ठीक है, और वो बना रहा है X1, ठीक है, एक दिन में कितने बना रहा X1, तो X1 पे कितना हो जाएगा, 100X1 हो जाएगा। जब एक नेकलेस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा, 100 रुपीज़ का हो रहा, और वो कितने नेकलेस बना रहा, हमने कितने मान लिए एक दिन में X1 बना रहा, तो एक्स भाई 2 पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 3 पे 300 का हो जाएगा और X1 से गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100X1 प्लस ब्रिसलेट्स पे कितने का हो रहा, वो X2 ब्रिसलेट्स बनाता है, ठीक है, ठीक है, कितने बनाता है, X2 ब्रिसलेट्स बनाता है, ठीक है, और ये इतने नेकलेसेस बनाता है पर डे, तो एक पे तो कितने का, 300 का, तो X2 पे कितने का हो जाएगा, प्लस 300 X2 आ जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो इन्होंने दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, वो अधिक से अधिक एक दिन में 24 बना सकता है दोनों को मिला के, X1 और X2 को मिला के अधिक से अधिक 24 बना सकता है, 24 से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या आएगा, X+Y < 24। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने सोल्व करने के लिए नहीं कहा, वैसे हम सोल्व करके बता भी सकते हैं सुनार को, भैया तुझे इतने तो नेकलेस बनाने चाहिए, इतने ब्रिसलेट्स बनाने चाहिए ताकि तुझे प्रॉफिट कैसा हो सके, मैक्सिमम। इसमें केवल फॉर्मुलेट करने के लिए कह रहा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको फॉर्मुलेट कर दीजिए, सोल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो एक कंडीशन बन गई, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जरा नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट लाइन, इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए ब्रिसलेट, एक ब्रिसलेट को बनाने में कितना घंटा, आधा घंटा, ठीक है, और ब्रिसलेट्स कितने बना रहा हो, X2 बना रहा, ठीक है, ब्रिसलेट्स कितने बना रहा वो, X1 X2 लेना है यहाँ पे, X1 और कितना, X2 आएगा, X1 और X2, ठीक है, तो ज़रा ध्यान देंगे, इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए ब्रिसलेट, तो एक ब्रिसलेट को बनाने में कितना घंटा, 1 घंटा, और आधा घंटा नेकलेस को बनाने में। तो जब एक नेकलेस को बनाने में आधा घंटा लगता है तो X1 को कितना लगेगा, 1/2 X1, ठीक है, तो इन्होंने क्या कह रखा, 1/2 आवर किसको, नेकलेस को, तो आधा घंटा लगता है एक नेकलेस को बनाने में, तो X1 को बनाने में कितना लगेगा, 1/2 X1, उसको 1 घंटा लगता है, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 × X2, और कितने घंटे अधिक से अधिक काम कर सकते हैं वो, ये दे रखा इन्होंने, मैक्सिमम ऑफ ए 16 आवर, तो लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये जो X1 X2 होंगे वो 0 या 0 से बड़े होंगे, 0 या 0 से बड़े इसलिए होते हैं, ये या तो नेकलेस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं बनेगा तो 0 आएगा, तो कभी भी
ठीक है, कोई नेकलेस नेगेटिव तो कोई बना नहीं सकता, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आती है भाई। जो भी कोई मान लिया कोई भी कंपनी है कोई प्रोडक्ट बनाएगी, माइनस का तो कोई बना ही नहीं सकती, या तो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं बनेगा तो जीरो आएगा। तो ये एक्स वन एक्स टू की वैल्यू जो भी वेरिएबल होंगे सब जीरो या जीरो से बड़े होंगे। और इसको थोड़ा सा सही से करके लिख सकते हैं, ये एलसीएम लेके और करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम जेड बराबर कितना 100 एक्स वन प्लस 300 एक्स टू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हाँ ये तो यही आ गया कितना एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 24। टू एलसीएम लेके इधर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू 32 एंड एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए अब एग्जांपल नंबर टू देखिए, चलिए एग्जांपल नंबर टू देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट प्रॉब्लम इज टू असर्टेन द क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन द क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन फूड्स दैट शुड बी रिटर्न टू वेट सर्टेन न्यूट्रिशनल ठीक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एट ए मिनिमम कॉस्ट। द कंसिडरेशन इज लिमिटेड टू मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एग्स एंड ठीक है एंड टू विटामिन्स ए बी सी। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द विटामिन्स कंटेन विद इन यूनिट ऑफ ईच फूड ऑफ देयर डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ द फूड इज गिवन ठीक है इज गिवन इन द टेबल ब्लो। तो ये टेबल दे रखी इन्होंने, विटामिन ए बी सी लीटर ऑफ मिल्क ठीक है, तो लीटर ऑफ मिल्क 100 ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है इन्होंने विटामिन ए जो है एक लीटर में ठीक है, तो ये लीटर दे रखा ठीक है, लीटर ऑफ मिल्क्स में विटामिन ए ठीक है और 100 और ये कितना दे रखा 10 केजी ऑफ वेजिटेबल्स ठीक है, 1 दे रखा और कितना 10 और कितना 100 डजन्स ऑफ एग्स 10 मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ठीक है 1 mg ठीक है विटामिन ए और कितना 50 mg विटामिन बी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है और 10 mg विटामिन सी। इनकी कॉस्ट दे रखी इन्होंने, कॉस्ट क्या दे रखी इसकी 20 रुपये लीटर, तो दूध दे रखा इन्होंने और जो वेजिटेबल्स हैं ये 10 रुपये पर केजी दे रखे और जो एक दर्जन एग्स का रेट है वो कितना दे रखा इन्होंने 10 दे रखा। तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर दिस डाइट। देखिए ये डाइट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसमें हमें मतलब ये बताना कि किसी व्यक्ति को मतलब ये कुछ डेटा दे रखा, ये डेटा दे रखा कि उसको ये बताना कि कितने लीटर तो उसको दूध लेना चाहिए, कितने किलोग्राम वेजिटेबल लेनी चाहिए और कितने दर्जन ठीक है अंडे लेने चाहिए, जिससे कि कॉस्ट कैसी आए उसकी, उसका जो खर्च आए वो कैसा आए, मिनिमम आए। और ये डेटा दे रखा कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है डेली विटामिन ए की इतनी दे रखी और ये इतना दे रखा, इतने मिलीग्राम दे रखा ठीक है और ये इतने mg दे रखा, इतने mg दे रखा। तो हमने देखिए क्या करा इसमें, हमने मान लिया लेट द डेली डाइट कंसिस्ट ऑफ एक्स वन लीटर्स ऑफ मिल्क, कि एक्स वन लीटर तो क्या लेना चाहिए उसको, मिल्क लेना चाहिए, एक्स टू किलोग्राम वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और एक्स थ्री दर्जन्स क्या लेने चाहिए उसको, अंडे लेने चाहिए। तो जो उसकी कॉस्ट है, जो भी हम डाइट पे ही खर्च करेंगे
तो हम चाहेंगे वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइए इसमें हम ले रहे इसमें x 1 लीटर ऑफ मिल्क ले रहे, तो जो एक लीटर दूध का रेट है वो कितना दे रखा, 20, तो x लीटर का कितना हो जाएगा। तो ये मिनिमम z हमें निकालना कि वो जो डाइट पे टोटल जो खर्च आए वो कैसा आए, मिनिमम आए। तो रेट कितना दे रखा इसका, 20 दे रखा, किसका दे रखा ये, दूध का दे रखा, और हम ले रहे कितना x1। तो एक लीटर दूध का जो खर्च है वो कितना, 20 रुपये, तो x1 का कितना हो जाएगा, 20 x1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, 20 क्या हो जाएगा x1। और हम कितने किलोग्राम सब्जी ले रहे, x2 किलोग्राम वेजिटेबल्स ले रहे, और जो उसका रेट है वेजिटेबल्स का कितना दे रखा, 10 दे रखा, एक किलोग्राम का 10 दे रखा, तो x2 का कितना हो जाएगा, 10 x2 हो जाएगा, और प्लस कितना, 8 कितना हो जाएगा ये, x3 हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आएंगे वो देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये 1 है तो, और हम कितना ले रहे हैं x1, तो 1 × x1 आएगा, 1 × x1, और जो एक किलोग्राम सब्जी में मतलब विटामिन ए मिलता है वो, तो ये 1 के लिए कितना आ जाएगा, वो x2 के लिए कितना आ जाएगा, 1 × x2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से देखिए कितना, 10 कितना, x3। ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है 1 mg की, तो मिनिमम है, तो यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर देन का, तो ये जो मिनिमम है कम से कम है रिक्वायरमेंट, तो उस या उससे ज़्यादा लेंगे तो ये साइन जो आएगा कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा, ठीक है। तो विटामिन बी के लिए देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मीटर ऑफ, ठीक है, एक लीटर से तो कितना 100, तो x1 से कितना आ जाएगा, 100 x1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इससे, 10 x2, और प्लस कितना, 10 x3, ठीक है। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितने की, 50, तो 50 आ जाएगा, एक जीरो काट भी सकते हैं इसको, नेक्स्ट में करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब इसके लिए देखिए, सी के लिए कितना आ जाएगा, ये 10 x1, और कितना, 100 x2, और प्लस कितना, 10 x3, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितने की, 10, और ये जो x1 x2 x3 होंगे भाई, या तो वो मतलब डेली इतने लीटर दूध, इतने लीटर, इतने किलोग्राम सब्जी, इतने दर्जन एग्स, या तो वो लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा तो जीरो आएंगे, और लेगा तो जीरो के बराबर आएगा। तो ये वैल्यू जो होंगी हमेशा x1 x2 x3 हमेशा जीरो या किससे होंगी, जीरो से बड़ी होंगी। नेक्स्ट लाइन में बस जीरो से काट के, ये जीरो कट के यहाँ पे 5 आ जाएगा, या यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसमें हमें फॉर्मुलेट करना होगा, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। वैसे तो ज़्यादातर तो सॉल्यूशन के लिए भी आते हैं, ठीक है, ये तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। वैसे तो सोल्व करने के लिए कोई LP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होंगी तो सोल्व करने के लिए आ जाती हैं। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास अभी तो हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स मेथड है, टू फेज मेथड है, बीगम मेथड है, काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के और काफ़ी सारे मेथड हैं। अभी तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मुलेट कर रहे हैं, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको हमने फॉर्मुलेट कर दिया। तो चलिए आज तो इतना ही करते हैं, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।